चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड टेक्स अ टर्न. इफ आर वन एंड आर टू बी द रिएक्शन ऑन द इनर एंड आउटर व्हील रिस्पेक्टिवली, देन इसमें से क्या रिलेशन होगा. तो सबसे पहले एक वो बना लेते हैं, कार बना लेते हैं. ये ग्राउंड था, उसके ऊपर ये दो टायर्स हैं, ये कार हो गई, ठीक है. ये टायर हो गए और ये कार ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रही है. ये मैं फिगर से बना दे रहा हूं. फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स. रिएक्शन फोर्स आर वन ये होगा क्योंकि इनर व्हील है और ये आउटर व्हील है, इसमें आर टू रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है. इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए. रिएक्शन फोर्स ये आर वन इधर हो गया और ये आर टू इधर हो गया, ठीक है. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कार की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट होता है. तो अर्थ इसको खींचेगा, एम जी फोर्स है. मान लेते हैं कैपिटल एम इसका मास है, कैपिटल एम इंटू जी, ठीक है, करेक्ट. सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ग्राउंड की जो डिस्टेंस है वो एज्यूम कर लेते हैं एच, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक टायर के बीच की जो डिस्टेंस है वो ए इधर कंसिडर कर लेते हैं, ये भी ए कंसिडर कर लेते हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस ए, ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स इधर हो गया. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को अगर हम अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन फोर्स आर वन और आर टू की वैल्यू आती है 1/2 ब्रैकेट में एम, 1/2 ब्रैकेट में एम, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ. जी यहाँ पर माइनस होता है, वी स्क्वायर एच बाई, और रेडियस जो होता है, मान लो ये सर्कल है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ये कार, तो ये उसका सर्कल का सेंटर होगा और ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये आर होगी. तो ये हो जाता आर इंटू ए और ये होता है प्लस वी स्क्वायर एच बाई आर इंटू ए, ये होता है, ठीक है. ये रिलेशन होता है रिएक्शन फोर्स का आपस में, मतलब आर वन और आर टू का. अब देखो इसमें आर वन छोटा है क्योंकि इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है इतनी वैल्यू को, और यहाँ पर प्लस किया जा रहा है, यानी इसका आंसर क्या हुआ, आर टू इज ग्रेटर देन आर वन हुआ ना. ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम से ये डेरिवेशन किया जा सकता है पॉइंट ऑफ रोटेशन जी कंसिडर करके, ठीक है. तो आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है. अच्छा इसमें एक चीज और मैं बता दूं, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाए, जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर एच बाई आर ए बराबर हो जाए, इसका मतलब है अगर ये दोनों बराबर होगी तो कट जाएगा तो आर वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अगर रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, आर टू पे फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये फ्री हो जाएगा, ये ओवरटर्निंग का केस हो जाता है. आर वन जब जीरो के बराबर हो जाएगा तो ओवरटर्निंग का केस हो जाएगा, और वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए अगर मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल को वी स्क्वायर इक्वल टू आर ए जी बाई एच, यानी वी इक्वल टू अंडर रूट में आर ए जी बाई एच, ये वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए. इससे ज्यादा वेलोसिटी अगर इस कार की होगी तो ये कार ओवर टर्न कर जाएगी, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा आउटर रेडियस का, और ये रोटेट कर जाएगी यानी स्किड कर जाएगी, ओवर टर्न का केस है ये, और स्किड कर जाएगी. और फिल्मों में तुमने देखा होगा कार जो है घूम जाती पलट जाती है, तो ये वो केस है. अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी टर्निंग पे होगी, टर्न पे होगी, तो वेलोसिटी की वजह से कार स्किड कर जाएगी, रोटेट करते हुए घूमते हुए जो है एक्सीडेंट हो जाएगा. तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.